हेलो फूडीज, यू आर मोस्ट वेलकम। सुस्वागतम इन ढिंडोरे किचन। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की चटपटी चटाकेदार डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ पे आज जो रेसिपी है वो फेस्टिव होने वाली है, और फेस्टिव सीजन हो, कुछ तीखा चटपटा ना हो तो फेस्टिवल कैसा। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की चटपटी मसालेदार चटाकेदार रेसिपी, जो कि होने वाली है बरेली की फेमस सोहाल आलू रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 से 4 आलू, जिन्हें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उनको बीच से काट दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के 1 गिलास पानी में मैं इनको बॉईल होने रखूँगी। आप देख सकते हैं सामने कुकर का ढक्कन लगा के 1 चम्मच नमक डाल के मैं उनको फटाफट से उबालने वाली हूँ और अच्छे से पकाने वाली हूँ। बहुत अच्छे से नहीं उबालना है, उबालना अच्छे से ही है, हाई मिंटू से, लेकिन हाँ इनको अच्छे से गलाना नहीं है। आलू को पूरा पूरा होना चाहिए, बहुत ऐसे मैश नहीं होने चाहिए आलू। तो ये देख सकते हैं आप, आलू जो मैं कहना चाह रही थी वो मैंने आपको दिखा दिया है करके, कि आलू ऐसे होने चाहिए। अब इनके हम उतारेंगे छिलके, इनको करेंगे टकला। टकला करने के बाद इनको छोटे छोटे से पीसेस में काट लेंगे। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इनके पीसेस कैसे काटे हैं, तो ऐसे ही काटे। आप आलू एक बार बनने के बाद देख सकते हैं कि ये पीसेस काटने आपके लिए ठीक रहने वाले हैं नहीं। तो देखिए, मैंने आज सारे के सारे टकले आलू को काट डाला है और इनको काट के साइड में रख दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जिसमें मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन और मस्टर्ड सीड और एक तड़के वाला मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हींग। आप देख सकते हैं सामने, मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके भी दिखा रही हूँ। अब ज़्यादा ही जूम हो गया, बट ठीक है, कैमरा सेट कर रही थी। तो यहाँ फिर से मसाले दिखा रही हूँ, देख लीजिए, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर है मेथी, जीरा वही जो मैंने बताया, मस्टर्ड सीड, अजवाइन यानी कैरम सीड और थोड़ी सी सौंफ, हाँ जी, जीरा, वही सारे मसाले हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, ये रिपीट हो गया है। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल। इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि सोहाल के साथ चटपटे मसालेदार थोड़े से ऑयली आलू होते हैं। और हाँ, मैं हेल्दी वर्ड मैंने हटा दिया है अपने डिस्क्रिप्शन से स्टार्टिंग में, क्योंकि हेल्दी रेसिपी तो नहीं है ये, तो सारा कुछ बोला है बट हेल्दी नहीं बोला। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ। फेस्टिवल है भाई, फेस्टिवल में टेस्ट तो टेस्ट ही आएगा, हेल्थ उतनी नहीं आएगी। फेस्टिवल के बाद फिर से हेल्थ वापस आ जाएगी, कभी तो इन्जॉय करेंगे ना। तो ये हमारे आलू जो हैं इनको हम अच्छे से कोट कर रहे हैं ऑयल में, कोट इन द सेंस जो आउटर लेयर है उसको थोड़ा सा हम फ्राई कर रहे हैं, पका रहे हैं, थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं और अच्छे से उसको हम कोट कर रहे हैं जीरे मसाले और ऑयल में। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है और आलू हमारे अच्छे से बनते हैं, जीरा आलू। इसके बाद जीरा आलू तो नहीं, यहाँ पे तो सारे खड़े मसाले हैं, बेसिकली ये सोहाल आलू वाला वो चटपटा और जो रेडी स्टाइल होता है वो रेडी स्टाइल, राइट। इसमें मैं 2 कटे हुए मिर्च डाल रही हूँ, हरे मिर्च आप आराम से पहले भी डाल सकते थे, बट हरे मिर्च वो बहुत क्रिस्प हो जाते हैं तो इसमें अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने मिर्च बाद में डाले हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट में भी लूँगी इसलिए मैंने थोड़ी ही ली है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे फटाफट से अपने मसाले, ये आलू बहुत झटपट बनते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, आज की रेसिपी डेली के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी होगी। पहले मसाले बता देती हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जितने हल्दी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कलरफुल दिखाना है, बहुत ही डिलीशियस दिखाना है तो हल्दी ज़्यादा होगी। कश्मीरी मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो लगभग ले रही हूँ 1.25 चम्मच जितनी कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच जितना हरा धनिया, एक और ले रही हूँ 2 चम्मच जितना हरा धनिया नहीं सॉरी धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ले रही हूँ दाल तड़का, कुटा हुआ टाटा संपन्न का दाल तड़का मसाला, और 1 चम्मच तत्वा का सब्ज़ी मसाला। मैं बार बार तत्वा की सब्ज़ी मसाला और दाल तड़का मसाले का जिक्र करती हूँ, आप ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होते हैं और ये मसाले बहुत अच्छे हैं, आप एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करें। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, रीच में ही है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, और सारे मसालों से बेस्ट है ये मसाले, बिलीव मी, राइट। तो इसके बाद देखिए आलू कितने मस्त हो चुके हैं, और यहाँ पे हम और सारी जो कसूरी मेथी वो मिला देंगे। बहुत मसाले का यूज़ नहीं करना है, मैं बेसिक्स मसाले यूज़ करेंगे, मैंने सिर्फ कुटा हुआ जो मसाला यूज़ किया है। आप चाहे तो वही जो 3 मसाले हैं वो आप मिलाकर इसको अच्छे से बना सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, और ये बिकॉज ऑयल ज़्यादा है इसमें, थोड़े से मसाले भी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डाइजेशन में इशू हो, या मे बी पता नहीं, मुझे कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए मैं हींग डाल रही हूँ लास्ट में, आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। अभी आलू देख सकते हैं कि कितने मस्त और बढ़िया बने हैं, एकदम क्रिस्पी और डिलीशियस लग रहे हैं। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी इसमें गर्म मसाला,
लास्ट में मैं इसमें यूज़ करूँगी एक चम्मच गरम मसाला और ये आलू अच्छे से बन चुके हैं। गरम मसाला शायद मैं आपको ना दिखाऊँ क्योंकि आज मेरे से स्किप हो गया है वीडियो में। अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे सोहाल, लेकिन आप गरम मसाला ज़रूर यूज़ कीजिएगा, राइट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 150 ग्राम जितना मैदा, और इसमें अब हम फटाफट से मिलाएंगे एक चम्मच, बड़ी चम्मच कैरम सीड, थोड़ा सा सॉल्ट, इसे रब करके डालेंगे। और एक चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे, लगभग आधे चम्मच से भी थोड़ा सा, आधे चम्मच के आसपास नमक, क्योंकि हमने आलू में डाले हैं नमक, डाला है नमक, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे मोन, एक चम्मच जितना मैंने मोन लिया और थोड़ा सा और लिया है। आप अपनी जो आटा है, जो लाइक मैदा है, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रखें। यहाँ मैंने 150 ग्राम मैदे में लगभग 1.25 चम्मच जितना मोन लिया है, तो आप वो चम्मच देख सकते हैं, वो डिनर वाली स्पून है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं अगर ग्राम में बोलूं तो आई थिंक मैं 10 ग्राम बोल सकती हूं कि 10 ग्राम जितना मैंने इसमें मोन लिया है, तो आप देख सकते हैं 150 ग्राम मैदे में 10 ग्राम जितना मोन। ये देखिए इसकी बाइंडिंग अच्छी है, परफेक्ट आ रही है। और सोहाल हमें बहुत खसखस भी नहीं चाहिए, थोड़े खसखस चाहिए, थोड़े से स्टिफ चाहिए, मतलब अच्छा टेक्सचर चाहिए, अच्छी क्रिस्पीनेस चाहिए, तो इसके लिए मोन ठीक है। अब इसका हम लगा लेंगे फटाफट से डो, फटाफट से आटा लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैं आटा डो लगाना दिखा रही हूँ। जितनी भी मैंने मैदे की रेसिपी बनाई है सबका डो लगाना इसलिए दिखाया क्योंकि मैदे का डो लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कितना भी अच्छे से आप लगा लें इसमें क्रैक्स आते ही आते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, मीडियम रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे, प्लस इसको अच्छे से रेस्ट करने देंगे गीले कपड़े से ढक के, तो ये आपका आटा ठीक ठीक लगेगा। और इसकी ऑयलिंग करना ना भूलें जब आप इसको ढकने जाते हैं, आई मीन रेस्ट करने की स्टेज में ले जाते हैं, तो पहले इसकी अच्छे से ऑयलिंग स्मूथनिंग करें, देन इसको अच्छे से ढकें, और फिर जब निकालें, जब दोबारा से निकालेंगे रेस्ट करने के बाद, ये देखिए मैं यहाँ पे स्मूथनिंग ऑयलिंग करा रही हूँ इसकी, आई मीन ऑयल इसमें लगा रही हूँ, चमका रही हूँ इसको। फिर जब लाइक 35 to 40 मिनट्स बाद जब आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे, तो फिर से इसको थोड़ा सा गूंदना है, हल्की सी स्मूथनिंग करनी है, हल्का सा गर्म पानी का हाथ लगा के पहले थोड़ा सा गूंद लेना है, देन थोड़ी सी स्मूथनिंग और कर लेनी है। अब ये जाएगा रेस्ट की स्टेज में, दोबारा से जब आटा आएगा, आई मीन टू से जब हम दोबारा इसको रीओपन करेंगे, तो फिर हम दोबारा से स्मूथनिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको इसको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी नहीं है, टेस्टी है, डिलीशियस है, मज़ेदार है, मसालेदार है, चटाकेदार है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। फेस्टिव में तो ट्राई करना ही चाहिए, और आपके घर आने वाले मेहमानों को ये ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बरेली की फेमस रेसिपी है। हालांकि मैं बरेली से नहीं हूँ, लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी है जो कि बरेली की और मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैं 400 हाल जितना मैंने जो मेरी लोई है, जिनको पेड़े भी बोलते हैं, मैंने उतना करा है, 400 हाल बना रही हूँ। दो दो खाएँगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, खाने से इनडाइजेशन भी हो सकता है। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है वो पहले से प्रिकॉशन ले लें खाने के पहले, हींग इसमें यूज़ करें और अजवाइन तो ज़रूर यूज़ करें। मैं देखिए पहले से आपको मेंशन कराती चल रही हूँ कि डिलीशियस है, टेस्टी है, पर ध्यान रखें हेल्थ का, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके इसको गोल गोल ऑक्टोपस की तरह बना लेना है हमें, सारे के सारे पैर इसके नीचे कर लेने हैं, और ऑक्टोपस का जो मुंह है ना उसको दबा देना है लास्ट में, मारना नहीं है। ये रियल ऑक्टोपस की बात नहीं कर रही है, मैं मजाक कर रही हूँ, ऑक्टोपस को अच्छे से रखना है, और ये सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में मजाक के वे में बताया, तो बी केयरफुल, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको बेल लिया और इसमें होल कर दिए हैं फटाफट फटाफट। ये होल का एक मेन कारण ये होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो ये फूलती नहीं है, पूड़ी नहीं बनती है, और पूड़ी हमें बनानी भी नहीं है क्योंकि हमें सोहाल बनाने हैं। तो होल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोथ साइड से पलट अलट पलट सब करके आप अच्छे से उसमें होल करें, फॉक की सहायता से आप इसमें कर सकते हैं, आप चाहे तो नाइफ की सहायता से भी कर सकते हैं, फॉक यूज़ नहीं करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको कर रही हूँ डीप फ्राई। अब डीप फ्राई के स्टेज में मैंने इसको ले आया है, या ये आ चुका है, इसको डाल दिया है तेल में और फटाफट से तल रही हूँ मैं इसको। और अभी आप देख सकते हैं लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है, और ये है हमारा फाइनल सोहाल, क्रिस्पी क्रंची, और ये खसखस भी है, बहुत टाइट नहीं है, आप देख सकते हैं इसका लुक को। ये हमारे सोहाल बन के रेडी, मैं सिर्फ आपको एक फ्राई करके दिखाऊँगी और फाइनल लुक दिखाऊँगी। इसको मैंने खाया है, मस्त लगा, बट ज़्यादा नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक ही खाया है। आप भी ज़रा लिमिट में खाएं, बट खाएं ज़रूर, है बहुत टेस्टी। तो मनाएं इस फेस्टिवल को अच्छा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।